नमस्कार, जय जय सियाराम। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। बिल्वपत्र, कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करता है, उसके 3 जन्मों के किए हुए जो पाप हैं, वह पाप जो हैं भस्म हो जाते हैं, उन पापों का संहार हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। प्रयास यह करना चाहिए कि हम जब भगवान शिव का पूजन करें तो हमारे पूजन की थाली में बिल्वपत्र का होना आवश्यक है, ताकि हम भगवान शिव को वह बिल्वपत्र अर्पित कर सकें। बिल्वपत्र अर्पित करने से पूर्व कुछ तोड़ने के नियम होते हैं, उन नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। हम भगवान शिव को बिल्वपत्र क्यों अर्पित करते हैं? ताकि हमारे पुण्य की वृद्धि हो, भगवान शिव प्रसन्न हों तथा पाप क्षीण हो जाएं। इन 3 कारणों से हम भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। परंतु हम बिना नियम के अगर बिल्वपत्र का चयन करेंगे तो हमें दोष लगता है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्वपत्र तोड़ने की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बिल्वपत्र का चयन करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। धर्मशास्त्रों में प्रातःकालिक स्नानादि कृत्यों से निवृत्त होने के पश्चात ही देव पूजा का विधान आया है। हमें स्नानादि कार्यों से निवृत्त होने के बाद ही देव पूजा संबंधित कार्य करने चाहिए। तो उसमें बिल्वपत्र, तुलसी पत्र का चयन भी आता है, अर्थात बेलपत्र और तुलसी पत्र हमें स्नान के बाद तोड़ने चाहिए। सबसे पहले जब आप बिल्व वृक्ष के पास जाएं तो बिल्व वृक्ष को देख करके नमस्कार करना चाहिए। क्यों नमस्कार करना चाहिए? क्योंकि शास्त्राज्ञा है कि जब भी देव वृक्ष दिखें, ब्राह्मण दिखे, गौ माता दिखे, मंदिर का शिखर दिखे, कोई नदी तालाब दिखे अथवा हरा भरा खेत दिखे, तो इन सब को देख करके शीश झुका करके नमस्कार करना चाहिए। तो बिल्व वृक्ष जो है यह देव वृक्ष माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माँ भगवती पार्वती के पसीने से मानी जाती है, इसलिए यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तो जब भी बिल्व वृक्ष के पास जाएं बेलपत्र को तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले बिल्व वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। बिल्व पत्र तोड़ने से पूर्व बेल पत्र तोड़ने का जो मंत्र होता है, उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा, ग्रहणामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर यह मंत्र ना आए तब क्या करना चाहिए? तब हाथ जोड़ करके 3 मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पहला सहज मंत्र है, तीनों ही सहज मंत्र हैं। तो पहले किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद जो है ओम व्योमाय नमः, इसके पश्चात जो है ओम पृथिव्यै नमः। इन 3 मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात जो है बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए। अगर यह मंत्र भी ना आ पाए आपसे, तब जो है भगवान शिव के पंचाक्षरी अथवा षडाक्षरी मंत्र का आपको जाप करते हुए जो है बिल्वपत्र का चयन करना चाहिए। ध्यान रखें कि केवल बिल्वपत्र का ही चयन कर लेना है, शाखा का चयन नहीं करना है, टहनी नहीं तोड़ लेनी है। क्योंकि कई बार हमने यह देखा है कि लोग पहले टहनी तोड़ लेते हैं, फिर घर जा करके आराम से बिल्वपत्र का चयन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कार्य नहीं करना है, शाखा नहीं तोड़ना है, शाखा तोड़ने का दोष लगता है। यही सब कारण होते हैं जो पूजा में आपके सेवा अपराध कहलाते हैं। तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। बिल्वपत्र तोड़ने के पश्चात पुनः बिल्व वृक्ष को नमस्कार करके अपने घर आ जाना है। अब यहाँ आता है कि कौन कौन से दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात वह कौन कौन से दिन हैं जिनमें बिल्व पत्र तोड़ना निषिद्ध कहा गया है। तो लिंग पुराण का वाक्य है कि अमारिक्तासु संक्रांत्या मष्टम्याम इंदुवासरे, अर्थात
अमावस्या, अमा अर्थात अमावस्या के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद रिक्तासु, जो रिक्ता तिथि कही गई हैं, ज्योतिषी लोग इस विषय को अधिक जानते हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं कि रिक्ता तिथि कौन कौन सी है। तो नंदा भद्रा जया रिक्ता अर्थात जो चौथी तिथि है वह जो है रिक्ता तिथि, चतुर्थी तिथि जो है वह रिक्ता तिथि मानी जाती है। तो इस प्रकार से कौन कौन सी तिथियाँ रिक्ता हैं, तो चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, यह जो हैं, ध्यान रखें चतुर्दशी, महाशिवरात्रि को भी चतुर्दशी होती है, इसलिए इस बात का आपको पहले ही ध्यान रखना है कि चतुर्दशी तिथि को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद और कब कब नहीं तोड़ना चाहिए, तो संक्रांत्या, जिस दिन संक्रांति हो, संक्रांति कब कब होती है, तो हर महीने एक संक्रांति होती है, 12 राशियां होती हैं और सूर्य जो हैं 12 राशियों का उपभोग करते हैं एक एक महीने तक, तो इस निमित्त से हर महीने एक संक्रांति होती है। इस प्रकार से आपको संक्रांति के दिन भी जो है बिल्व पत्र चयन नहीं करना है। इसके बाद अष्टम्याम, अष्टमी तिथि को भी आपको बिल्व पत्र चयन नहीं करना है। इंदुवासरे अर्थात इंदु अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा का दिन कौन सा है, सोमवार, तो सोमवार के दिन भी आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हम आपको पुनः एक बार अच्छे से बताते हैं कि कब कब नहीं तोड़ना है। सबसे पहले चतुर्थी तिथि को नहीं तोड़ना है, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पांच तिथियां हो गई जिसमें आपको नहीं तोड़ना है, एक दिन हो गया इंदुवासरे, सोमवार के दिन आपको बिल्वपत्र नहीं तोड़ना है, और जिस दिन संक्रांति हो उस दिन आपको बिल्वपत्र नहीं तोड़ना है। पुनः एक प्रश्न होता है कि अगर हम बिल्वपत्र तोड़ेंगे नहीं तो भगवान शिव को अर्पित कैसे करें, तो यहाँ आया है कि भगवान शिव को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि अगर एक दिन पूर्व संचित किया हुआ बिल्व पत्र आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो भगवान शिव उसे भी सप्रेम स्वीकार करते हैं। बिल्व पत्र अशुद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए आप जो है पहले चुना हुआ, एक दिन पहले चयन किया हुआ, एक दिन पहले बिल्व पत्र तोड़ा हुआ जो है आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर नूतन बिल्व पत्र ना मिल पाए तो जो बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ा हुआ है उसी बिल्व पत्र को बार बार धो कर के चढ़ा देना चाहिए, भगवान उस बिल्व पत्र को भी स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।